और कंपनी ने यहाँ पे बड़ा स्मार्ट यहाँ पे गेम खेला है कि जिसको यहाँ पे सीट है एडजस्टमेंट चाहिए उसको भाई अल्फा ही लेना पड़ेगा, क्योंकि और किसी वे में मिलता ही नहीं है। अल्फा उन लोग के लिए ज्यादा बेटर रहेगा जिन्हें कंपनी से ही सारी चीजें चाहिए, लाइक ए टू जेड चीजें कंपनी से करानी है, आफ्टर मार्केट बिलीव नहीं करते हैं। अगर आपको आज की इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो भाई आप जरूर से लाइक करें, जरूर से शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें मेरा चैनल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में, और आज हम बात करने वाले इंग्लिश के ही बारे में, लेकिन ये है इसका टॉप एंड वेरियंट मैनुअल ट्रांसमिशन में। अल्फा वेरियंट कवर करने वाले हैं, काफी चीज अलग मिलती है जेटा से। इससे पहले हमने जेटा को ऑटोमेटिक कवर करा था, आज हम कवर करने वाले हैं अल्फा का ऑटोमेटिक। प्राइसिंग में सबसे पहले डिफरेंस आता है, जो इसका यहाँ पे एक्स शोरूम प्राइस जा रहा है वो जा रहा है 7,22,000 रुपये, और ऑन रोड ही पड़ जाती है 8.5 लाख रुपये की। चीज़ें डिफरेंट क्या मिल रही है, सबसे पहले चीज़ तो आपको यहाँ पे जो लाइटिंग सेटअप है एलईडी में मिलेगा, DRLC आपको मिल जाता है, या एलईडी प्रोजेक्टर में आपको देखने को मिलता है। जला के मैं आपको दिखाता हूँ, तो इस तरीके से आप चेकआउट करो, प्रोजेक्टर लाइटिंग सेटअप आपको मिलेगा एलईडी में, और यहाँ पे नीचे आपको फॉगलेंस मिल जाते हैं हेलोजन में। तो लाइटिंग सेटअप में यहाँ पे पूरा चेंज करा गया, DRLs वगैरह ऐड हुए हैं, अदरवाइज हर एक चीज बिल्कुल सेम करी गई है। यहाँ पे सेम आपको वही इंजन देखने को मिलता है 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर, जो कि सेगमेंट में सबसे ज्यादा यहाँ पे स्मार्टेस्ट इंजन है, क्योंकि वो बिल्कुल भी आवाज वगैरह नहीं करता है, बहुत ज्यादा आपको स्मूथ देखने को मिलेगा। और फ्रंट का जो लुक है मेरे को बहुत ज्यादा अपीलिंग लगता है, आपको कैसा था कमेंट में जरूर से बताना, अच्छे तरीके से फ्रंट का लुक यहाँ पे चेकआउट कर लो। साइड से बात करते हैं, तो साइड में भी कोई भी चेंज नहीं कराया गया है। आपको जो नई चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है, ये सब आपको मिलता है इसके एसेसरी का पार्ट, इसके जो डोर वाइजर से ये भी एसेसरी का पार्ट है। बाकी हर एक चीज़ जैसा आपको जेटा में देखने को मिल रही है सेम आपको अल्फा में देखने को मिल रही है। लाइक 15 इंच आपको अलॉय व्हील देखने को मिल रहे हैं, 180mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल रहा है, 32 सीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल रही है, ड्राइवर साइड को ड्राइवर से रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिल रहा है, बाकी जो बी पिलर है ए पिलर है ये आपको यहाँ पे ब्लैक लगा देखने को मिलेगा, फंक्शन रूफ रेल मिल जाती है, पीछे छोटा सा आपको एंटीना देखने को मिलेगा। और अब पीछे से लोग चेकआउट करो, कुछ इस तरीके से बनता है, बाकी 3 डिजाइन एलिमेंट ऐड हो जाते हैं, बोल्डर से यहाँ पे जो फेंडर का पार्ट है बाहर को निकला हुआ है तो लुक थोड़ा अलग बन जाता है। पीछे से एक चेंज कराया गया जो कि मेरे हिसाब से बहुत जरूरी चेंज था, वो है कि यहाँ पर आपको कैमरा मिल जाता है इस तरीके से इंस्टॉल्ड अल्फा मॉडल में। जेटा ये चीज़ें मिस करती है, अदरवाइज सब चीज़ें जेटा और अल्फा में बिल्कुल सेम रखी गई है, कोई भी डिफरेंस यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलता है। 4 आपको पार्किंग सेंसर मिलेंगे, स्किड पेक मिल जाएगी, लाइटिंग सेटअप कंप्लीट आपको हेलोजन में देखने को मिलता है, जो कि मेरे सबसे बेकार चीज़ है, कम से कम एक चीज़ तो एलईडी में देनी चाहिए थी। बाकी यहाँ पर आपको वाइपर मिलेगा, डिफॉगर मिलेगा, ऊपर आपको इस तरीके से स्पॉइलर मिल जाता है। बूट स्पेस चेकआउट कराता हूँ, 260 लीटर की बूट स्पेस मिल जाती है पार्शियल ट्रे के साथ, 60-40 स्प्लिट सीट का ऑप्शन मिल जाता है, और 2 आपको इस तरीके से यहाँ पे एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को मिल जाते हैं। बाकी डिजाइनिंग देख लो आप, और लाइट भी आपको देखने को मिलती है जिससे आप इस तरीके से ऑन ऑफ यहाँ पे कर सकते हो। बाकी इंटीरियर की बात करते हैं तो सेम आपको जैसा इंटीरियर आपको जेटा में देखने को मिलता है सेम इसमें भी देखने को मिलेगा, ब्लैक और व्हाइट के साथ। यहाँ पर अलग चीज क्या हो गई है कि आपको ऑटोमेटिक एसी देखने को मिलता है, वहां पे आपको देखने को मिलता है मैनुअल एसी। अब फर्क क्या पड़ जाता है ऑटोमेटिक एसी मिलने के बाद, यहाँ पे जो डिजाइन एलिमेंट्स है कितने ज्यादा चेंज हो गए हैं, गाड़ी के अंदर जो एस्थेटिक्स हैं बहुत ज्यादा इंप्रूव करे गए हैं, इसकी वजह से लुक और ज्यादा अपीलिंग लगता है। ऐसा लगता है कि हाँ यार, अगर हम इतने पैसे 8.5 लाख रुपए दे रहे हैं तो गाड़ी में कुछ ना कुछ चीज़ से बढ़िया मिल रही है आपको। और यहाँ पे दूसरी अच्छी चीज़ क्या हो गई है कि आपको सीट हाइट एडजस्टमेंट मिल जाता है, जो कि बहुत बढ़िया चीज़ है, क्योंकि जेटा में ये सब चीज़ें नहीं मिल रही है। और कंपनी ने यहाँ पे बड़ा स्मार्ट यहाँ पे गेम खेला है कि जिसको यहाँ पे सीट हाइट एडजस्टमेंट चाहिए उसको भाई अल्फा ही लेना पड़ेगा, क्योंकि और किसी वे में मिलता ही नहीं है आपको सीट हाइट एडजस्टमेंट। बाकी 4 स्पीकर, 2 ट्विटर, 1 टच अप, 1 टच डाउन, जितनी भी चीज़ें आपको हर एक चीज़ यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इसमें मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा, क्योंकि जिसको देखना है वो कल की वीडियो चेकआउट कर लो, उसमें हमने भाई खुल के अच्छे तरीके से हर एक चीज़ की बात करी है। बाकी पीछे से आप चेकआउट कर लो, कुछ इस तरीके से बनेगा। तो एक तरीके से ये जो वीडियो है चैनल में हो गई है कंपैरिजन वीडियो की, अल्फा में और जेटा में क्या क्या डिफरेंसेस आपको देखने को मिलते हैं। अल्फा उन लोग के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा जिन्हें कंपनी से ही सारी चीज़ें चाहिए, लाइक ए टू जेड चीज़ें कंपनी से करानी है, आफ्टर मार्केट बिलीव नहीं करते हैं, उनके लाइटिंग सेटअप बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ है, ऑटोमेटिक एसी उनको चाहिए ही चाहिए, सीट है एडजस्टमेंट चाहिए ही चाहिए, तो फिर उनको टॉप एंड में जाना पड़ेगा। अदरवाइज जो जेटा है ये सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी बन जाता है। अगर आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो भाई आप जरूर से लाइक करें, जरूर से शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें मेरा चैनल। मैं आपको मिलता हूँ बहुत जल्द ऐसे को नई वीडियो के संग, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।